जय श्री कृष्णा। आज एक ऐसा भजन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोग सुनकर बहुत ही मोटिवेट होंगे। अगर आप ईश्वर पर, परमात्मा पर अगर आप विश्वास रखते हैं तो आप बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा भजन आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा, आज मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा आप लोगों को ये वीडियो जो है ये भजन आप लोगों को बताऊं। तो प्लीज वीडियो के साथ पूरा बना रहिएगा। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आप लोग लाइक करते हैं, क्या कमी हो रही है जो आप लोग लाइक नहीं करते। पूरी कोशिश तो हम करते हैं सिखाने में भाई, आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पूरा वीडियो देखने के बाद करना और दिखेगा। और ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे जो है आप कहीं भी बजा दें या कहीं गाएं तो लोगों को आनंद आ जाए, है ना, आनंद आ जाए और भक्ति में सब लोग लीन हो जाए। अपने घर में सुनाओ, परिवार में, या फिर आप स्थान मंदिर वगैरह कहीं पर, इस समय आप अपने घर में ही सुनाए। देखिए कितना सुंदर सा भजन है, मैं थोड़ा सा आपको उसका मुखड़ा सुना रहा हूँ, एक अंतरा बता रहा हूँ, उसके बाद आपको करेक्टली जो है पूरा निकालना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। आए जाओ बंसी की बजैया, आए जाओ बंसी की बजैया, सोए कहाँ हो चाहे, आए जाओ मुर्गी की बजैया, इसे पूरा जो है करेक्टली जो है तीन अस्मित अंतराएं हैं, बड़ी सभा में मीरा टोरे, आए जाओ मुरली वाले कान्हा, जहर के पिलैया, सोए कहां वो चादर चांद के, तीसरी तर्ज जो इसकी कड़ी है बड़ी सभा में द्रौपदी टेरे, आए जाओ बंसी वाले कान्हा, भात के भरैया, ठीक है। अब बहुत अच्छी अच्छी कड़ी है। ओरे जूनागढ़ में तरसी तेरे, आए जाओ बंसी वाले, देखिएगा इसे हम नोटेशन के साथ में करकली आज सीखेंगे, ठीक है। प्लीज वीडियो के साथ पूरा बना रहिएगा और एक लाइक भैया जरूर, मैं आपसे इस बात के गुजारिश करता हूँ, एक लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमें जो है बहुत खुशी होती है। आप लोग जब लाइक कर देते हैं बहुत ही आनंद आता है। और जो है आप कुल ऐसे भी होते हैं जो लोग जो जलन होती है, अब तनुजरे मन माइले बगुला भक्त लेकिन से तो कौआ बोलो जो भीतर बाहर है, तो इस तर्ज को हम आज करके पूरा सीखेंगे। देखिए इसमें हमारा कोमल गा, ठीक है, कोमल गा नैन है, इधर सब तक से हमारे दो सुर आएंगे, ठीक है। अब एक एक पैटर्न समझिएगा,
कि आई जाओ आई जाओ आई जाओ। नीसा नीसा पहला नीसा, आई जाओ बंसी आई जाओ बंसी। कितना नीसा रे, पहला पैटर्न हमारा चलेगा नी नी सा और रे, ठीक है नी सा रे, ठीक है पहला पैटर्न हमारा ये हो गया। अब देखिए इतने इतना का देखिए, एक चीज और आपको समझा रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक चीज को और समझा रहा हूँ मैं, इनका मतलब क्या होता है, तीनों सुर एक एक में क्यों ये जो है एक ज्वाइंटेड क्यों है, इनसे हमारा क्या क्या ताल्लुक होता है। अब देखिए आई जाओ आई जाओ बंसी आई जाओ बंसी आई जाओ बंसी, तीनों को हमने मिलाया तो हमारा एक सुर बना आई जाओ बंसी, ठीक है आई जाओ बंसी। अब आगे है के बजैया, ठीक अब इतना हमारा इतने पर नी सारे, ऐसे अगर समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, नी सारे एक पैटर्न, ठीक नंबर एक एक, ठीक है समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा आई जाओ बंसी, ठीक है के बजैया। अब रे पर हम रुक के अब देखिए दूसरा पैटर्न हम यहाँ पर बनाते हैं इसी तरीके का। अब कितना किस पर कितना बोल निकलेगा, कि आई जाओ बंसी के बजैया। अब रे, अब देखिए अगला पैटर्न हमारा रे सा, ठीक है रे सा रे सा रे आई जाओ बंसी के बजैया आई जाओ बंसी के बजैया। नी सारे नी सारे रे सारे, ठीक है रे सारे, फिर हमारा आएगा रे सा रे गा, ठीक है अब देखिए आई जाओ बंसी के बजैया, ठीक है अब फिर गा रे सा गा रे सा, अगला पैटर्न हमारा गा रे सा गा, गा कोमल है कोमल का गा रे सा रे और सा, ठीक अब इस पर कितना हुआ, अब देखिएगा इस पर इन सुरों पर हमें कितना गीत हमारा निकला, अब ये समझिए पर जो है हमारा एक, एक अगर ऐसे समझ में आता है आपके तो आपको बहुत अच्छा, आपके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी माइंड की है, ठीक है जितने ये सुर हैं एक दो तीन चार पांच छह सात रे सा रे गा गा रे सा, ठीक है अब इस पर कितना आयजा बंसी के बजैया, इस पर इतना हुआ आयजा बंसी, ठीक है नी सा रे आई जाओ बंसी के बजैया बजैया बजैया। देखिए आई जाओ बंसी ये तो सिर्फ तीन सुरों पर निकल गया, लेकिन बंसी के बजैया आई जाओ बंसी के बजैया, अब ये सिर्फ कितना जो है सात सुरों पर निकला हुआ है, ऐसा कि कितना हमारा एक दो तीन चार पाँच छः और सात, सात सुर हो गए। अब देखिए सात सुरों पर कितना हमारा निकला, समझिए बात को, ठीक है अब आगे का पैटर्न सीखते हैं सोए कहाँ, अगला पैटर्न हम तैयार करते हैं। अब देखिए सोए कहाँ सोए कहाँ, अभी हमारा है सा, पहला उठा हमारा सा सा कोमल का सोए
सोए कहाँ हो, सोए सागा रे सा, सोए कहाँ हो जागर। फिर हमारा सा के बाद में नी नी धा, सोए कहाँ हो जागर तान के, नी धा के बाद में फिर नी नी और फिर रे और फिर सा। अब समझिए ये पैटर्न हमारा, एक ये पैटर्न देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सुर इसमें दबे हमारे। अब देखिए, सो सोए कहाँ हो चादर तान के, सो ए कहाँ हो चादर तान के, सोए कहाँ हो चादर तान के। अब इतना, अब इसका देखिए, ठीक है, इन सातों का सात जो है, ये 9 सुर हमारे लगे हैं, 9 सुरों पर कितना गीत निकला हमारा, ये समझिएगा। ठीक है, ये सा, ये रे, ये नी, ये धा, ये नी, ये सा, ये रे और ये गा, ये गा, ठीक है, ये गा गा और ये सात, तो इस पर कितना निकला, सोए कहाँ वो। अब देखिए कितना निकला, सोए कहाँ वो चादर तान के, ठीक है। आए जाओ बंसी के बजैया, सोए कहाँ हो चादर तान के, ठीक है। अब ये देखिएगा, समझिए, सोए कहाँ हो चादर तान के, ये सा रे सा नी धा नी रे सा, ठीक है, यहीं पर ही, समझ गए। अब अगला पैटर्न इसकी आंतरा का तैयार करते हैं, समझ में ना आए तो हमें बता देना। अरे भरी सभा में द्रौपदी तेरे, आए जाओ बंसी वाले, भरी सभा में, भरी सभा में द्रौपदी तेरे, आए जाओ बंसी वाले, भरी सभा में द्रौपदी तेरे, आई जाओ बंसी बारे। फिर देखो, भरी सभा में द्रौपदी, ठीक है। अब देखिए नोटेशन इसका, पहला आया हमारा पा पा, ठीक है, पा, फिर मा, फिर शुद्ध गा, फिर रे, फिर कोमल गा, ठीक है, कोमल गा, फिर शुद्ध रे और फिर सा। देखिए, भरी सभा में द्रौपदी तेरे, आई जाओ बंसी वाले काना प्राण के बचैया। अब देखिए, काना प्राण के बचैया, ठीक है। अब वही वाला, शुरुआत वाला ही पैटर्न हमारा, यही वाला। अब देखिए वो जो शुरुआत में ये ना, नी रे सा रे गा रे सा, ठीक है। अब इस पर भरी, अब देखिए इसका, इसका समझिए, इसमें कितना हमारा निकला है, भरी सभा में कुछ भी कर ले, नरसी टेर है, आए जाओ बंसी बाले, ठीक है, भरी सभा में नरसी टेर है, आए जाओ बंसी बारे, ठीक है। अब ये चीज समझिए, कितने पर निकला, पा म गा रे गा कोमल ला इसमें बीच में रेसा, ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने यही पैटर्न डाल दिया, ठीक है। बाकी जो है पूरा गाना जो है इसी इसी जो है पैटर्न पे चलेगा, समझ गए हो। बहुत कितना सिंपल हुआ निकालने, बहुत वेरी सिंपल। अरे भरी सभा में, अब सॉरी, भरी सभा में द्रौपदी तेरे, आई जाओ बंसी वाले, फिर सिंगल उंगली से, भरी सभा में नरसी तेरे, आई जाओ,
बंसी वाले काना भात के भरैया, ठीक है, काना भात के भरैया, सोए कहाँ हो चारता, सोए कहाँ, ये आ गया, सोए कहाँ हो चारता निके। कितना सिंपल, वेरी सिंपल लगा ना। तो ये देखिए, यही नोटेशन था हमारा, ठीक है, आप लोगों को नोटेशन दिख रहा होगा, कितना सुंदर नोटेशन आप लोगों को, ऐसा नोटेशन कोई नहीं बता सकता है, एक एक शब्द आपको हमने काट काट के बताया है, ठीक है।